नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। और आज आपका भाई आपको ये वचन देता है, मेरी बहनों, जो एक एक वचन दिया है, एक एक गारंटी दी है, वो हर गारंटी पूरी की जाएगी। चिंता मत करना, लाडली लक्ष्मी से अपना सफर प्रारंभ हुआ था। अपनी बेटियां पहले बोझ मानी जाती थी, उनको वरदान बना के लखपति बनाने का अभियान चला लाडली लक्ष्मी। और आज 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी है हमारी। लाडली लक्ष्मी, फिर कन्या विवाह, क्योंकि लोग मानते थे कि बेटी की शादी भी बोझ है, इसलिए बेटी को आने ही मत दो। याद करो मेरी बहनों, एक जमाना वो था कि बेटी को जन्म लेने के पहले ही कई बार कोख में मार देते थे लोग कि बेटी तो आफत होती है। और ये चीज मेरे दिल में दर्द पैदा करती थी, इसलिए बेटी लखपति बने अभियान चलाया और लाडली लक्ष्मी योजना बनी। उसके बाद तय किया, जब मामा मुख्यमंत्री बना पहली बार, तो हमने तय किया बेटियों की शादी अब माता पिता पे बोझ नहीं रहेगी, मामा शादी करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करवाएगी। फिर मेरी बहने चुनाव लड़े और जीत के आए, इसके लिए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी बहनों को दिया। और प्रधानमंत्री जी ने एक और क्रांतिकारी फैसला लिया कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी अब बहनों को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ताकि ज्यादा संख्या में एमएलए और एमपी भी बहनें बन सके।